हम जा रहे हैं घूमने बहुत ही स्पेशल जगह। ओहो, फीमेल हाथी, फीमेल हाथी। चाचा जी बैठे हैं हमारे स्वागत के लिए। और ये है वो दुनिया ना जो हमने ट्रेवल करनी है। अभी डिस्कशन चल रही है, एक्साइटमेंट ही नहीं लग रही है। आ गई दिल्ली शिमला ट्रेन भी। ब्लॉग, आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं घूमने बहुत ही स्पेशल जगह जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है। और वो है, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एलांटे मॉल, क्योंकि एलांटे मॉल इसलिए जा रहे हैं, एक तो हम काफी टाइम से गए नहीं हैं और काफी सारे लोगों ने हमें रेकमेंड भी करा कि आप एक बार एलांटे मॉल दिखाइएगा कि वहां पे आजकल घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, गर्मियों में सर्दियों में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, या फिर कैसे एलांटे मॉल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। तो इसलिए हम जा रहे हैं एलांटे मॉल। तो आप ये सोचना कि आप लोग भी हमारे साथ एलांटे मॉल चल रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर विजिट करेगा एलांटे मॉल। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भी आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एलांटे मॉल क्यों नहीं जाना चाहिए। तो सारे उसके बेनिफिट्स और नुकसान जो भी रहने वाले पूरे दिन एलांटे विजिट के, तो वो आपको हम दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। 5 minutes later, तो हम निकल चुके हैं घर से और गर्मी है बाहर बहुत ही ज्यादा। मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो इनको गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मौसम इनको सूट करे। मुझे बीच वाला मौसम सूट करता है, जिसमें ना ज्यादा गर्मी। बीच में रख देते हैं या ले जाओ यार, मैं खुशी खुशी रह जाऊंगी वहाँ पे, मैं खुशी खुशी रह जाऊंगी। बहुत जल्द बनाते हैं प्रोग्राम गोवा का। ये बोलने की बातें हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं। हम तो बस यही जा सकते हैं, बोलने की बातें आधी दुनिया तो घुमा दी, फिर भी आप कैसे बोल सकते हैं बोलने की बात। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही कि आपने नहीं घुमाया, दिन पे लग गई मेरे। मैं तो इसलिए बोल रही था कि आप मुझे ले जाओ, था कि आप मुझे ले जाओ, जान मुझ के बोलना पड़ता है ताकि आपका दिल दुखे और मुझे ले जाओ। तो गाइस, ये भी है एक मॉल जिसको बीआर मॉल बोलते हैं, इसका भी आपको एक दिन कराएंगे हम फुल टूर। बट अभी हम जा रहे हैं द बेस्ट मॉल ऑफ द ट्राई सिटी जिसका नाम है एलांटे मॉल। तो उसकी खूबसूरती आपको दिखाएंगे, वहाँ की जो समस्या है ना वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ब्लॉग पूरा देखना है, क्योंकि वहाँ जाने से पहले अगर आपने वो प्रॉब्लम्स ढंग से नहीं देखी ना, तो फिर आप मिस कर जाएंगे और वहाँ जाके परेशानियों में फंस जाएंगे। तो एलांटे मॉल जाने से पहले हम वेट कर रहे हैं एक स्पेशल फ्रेंड का हमारे, जिसका नाम है, आप खुद ही देख लेना कौन। और वो बोलता मैंने भी घूमना है एलांटे मॉल आपके साथ, और उसको कुछ काम है। बेसिकली उसका एक कोई और भी फ्रेंड आ रहा है, वो मेरा भी फ्रेंड है, उससे भी आप मिल ले आए, तो उसको भी शायद अगर मिलेगा तो उसको भी कवर करेंगे हम। तो हम दोनों तो अपने पर्पज से जा रहे हैं, वो दोनों अपने पर्पज से जा रहे हैं, बट रूट एक ही है। तो हमने बोला चलो साथ ही चलते हैं, तो अब साथ ही बन गया है। तो अब देखते हैं, साथ में घूमते हैं, अलग अलग घूमते हैं। बट यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ उनका, तो जैसे आते हैं फिर निकलते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम फ्लाई ओवर के नीचे ना छुप के बैठे हुए हैं ताकि गाड़ी में ज़्यादा गर्मी ना पड़े और मैडम जी को ज्यादा इरिटेशन ना हो, और मैडम जी का मेकअप खराब ना हो। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, मेकअप थोपा है, लगाया नहीं है, थोपा है ऐसे ऐसे करके। मैंने मेकअप नहीं किया भाई, ये नेचुरल ब्यूटी देखो है। मुझे तो लग रहा है थोपा हुआ, ये नेचुरल। चलो गाइस वेट कर रहे हैं और जैसे आते हैं फिर होते हैं फ्लाई। Few minutes later. तो फाइनली वो आ गया बंदा, देखो फोन चलाते चलाते आ रहा है लाड साहब। अरे जल्दी आ जाए यार, अरे अमन इतना टाइम यार। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो 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 फटाफट चलो। तो ये है मिस्टर अमन, इसको तो आपने देख ही लिया है बहुत ब्लॉग में। तो अब निकलते हैं आगे सफर पे। अभी हम पहुंचे हैं ट्रिब्यून चौक की लाइटों में, और जितना मुझे नॉलेज है और अमन भी कंफर्म कर रहा है ना अमन, सबसे बड़ी लाइटें हैं ये ट्राई सिटी की, मतलब सबसे लंबी और लगभग 180 या 190 सेकंड्स की, मतलब 3 मिनट से ज्यादा की लाइट्स हैं। और दो बार तो हम फंस गए हैं, मतलब 6 मिनट तो मेरे लाइटों पे गए। और हम पहुंचने वाले थे एलांटे 255 पे और अभी 37 हो गए हैं, और अभी भी ये टाइम बता रहा है ऑलमोस्ट 7-8 मिनट और। और ये वो मॉल है सेंट्रा मॉल, जिसमें मैंने लाइफ की पहली मूवी, लाइफ की नहीं सॉरी, मतलब चंडीगढ़ की पहली मूवी
देखी थी इस मॉल के अंदर। अब मूवी कौन सी थी वो शाहिद कपूर की जिसमें वो शर्ट बदलता रहता था, मतलब बेचता रहता था, कौन सी थी वो शर्ट बिजनेस करता था वो कपड़ों का। अरे कमेंट करके आप लोग ही बताओ, मुझे तो अब नाम कंफ्यूजन हो गया, जिसमें वो बिजनेस करता था, देखो शर्ट्स बेचता था, फिर वो बोलता था कि इस शर्ट को धोएंगे तो कलर फेड होगा तो नई बन जाएगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके है, फ्रेंड्स उसकी कोई मूवी नहीं है। फ्रेंड्स 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 कुछ तो है यार, चलो तीन चार दोस्त होते हैं ना वो बिजनेस करते। मुझे याद आ रहा अनुष्का शर्मा उसमें होती है, वो वाली पता नहीं नाम से शायद याद आएगा, आप बताओ। आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रही। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सर के पास, विक्रम सर के पास। यस विक्रम सर है हमारे एक ना एक्सपर्ट एनवायरमेंट। वो देखो सामने ट्रेन जा रही है, वो दिखा दो। हां वो देखो, अरे जा रही है ट्रेन, मालगाड़ी मालगाड़ी। और ये हो गया हमारे एंटे का स्वागत, यहाँ पे बैठे हैं सारे मामा जी हमारे स्वागत में। थैंक यू सर, थैंक यू। चालान भी काट दिया भाई। तो यहाँ पे होगी है गाड़ी की इंस्पेक्शन शुरू, क्योंकि हम पहुँच गए हैं लांटे के अंदर। ओहो मैंने तो क्या कर दिया, मुझे लग रहा है ये खोल दिया मैंने यार। आपने क्या खोला? मैंने फ्यूल कैप ही खोल दी जल्दी में। हो गया, थैंक यू। ठीक है, आपको एक्साइटमेंट हो रही है जाने की? बात इतनी भी पुरानी वाली गाड़ी में ना यहीं से खुलती थी और मुझे लगा वही करना है, डिक्की अनलॉक करनी है। और अब हम जा रहे हैं पार्किंग में, अलांचे की पार्किंग का सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आओ, मुझे जो पता नहीं था, यहाँ पे पिन करो और पिन करते हैं आपके पास स्लिप आ जाएगी इस तरह की, और आगे खुल गया देखो। चलो 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 चलो, और इसको संभाल के रखो ताकि एग्जिट पे आपसे ले सकें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आंटे मॉल। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग से ऊपर की ओर, और एक फ्रेंड ऊपर वेट कर रहा है। लेट हम ऑलरेडी हैं, तो कराते हैं फटाफट चेकिंग और निकलते हैं मॉल से। फाइनली गाइस हमारी एंट्री हो गई है लांटे मॉल में। तो आप कितने टाइम बाद आए इधर? मुझे तो लगता है 2-3 साल हो गए। हाँ काफी टाइम बाद आए हम। और अमन कब आया था लास्ट? याद नहीं। तो बहुत भीड़ होती है तो मुझे पसंद नहीं है। आपको अगर आना होगा तो सैटरडे संडे तो बोल दो। हाँ पर मतलब अच्छा भी है, ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ में सबसे अच्छा मॉल यही है, और कोई भी आपको ब्रांड चाहिए अच्छा वो मिल जाएगा, खाने के लिए अच्छा रेस्टोरेंट वो मिल जाएगा। तो अभी जो फ्रेंड हमारे एक और आ रहे हैं तो वो कहीं ऊपर है, वो देखो ऊपर से आ रहे हैं। एंट्री हो गई है और बस अब ये लोग घूम रहे हैं अपने में, हम लोग अपने में घूमेंगे, और जो भी शॉपिंग वॉपिंग या जो एक्सप्लोर करना है वो करते हैं लांटे मॉल को, आफ्टर 1 ईयर मैं और आफ्टर 2 ईयर मैडम। तो दोस्तों अभी हम थीम देख रहे थे यहाँ पे, और मैडम का पर्स तो रह गया यहीं पे, तो मुझे लग रहा है ये ले जाना पड़ेगा। कहाँ है आपका पर्स? ओहो फीमेल हाथी। अरे भैया दे दे पर्स, वो नहीं देने वाला आपको। शॉपिंग करने जा रही है। तो आज उस दिन तो अमन ने पार्टी करा दी थी, आज अलांटे में बकास फंसने वाला है लग रहा है। और मालिक साहब बोल रहे हैं कि मेरा ही मॉल है, मतलब जो भी बोलो सब इनका है। मालिक साहब पर पैसे नहीं निकालते, बहुत गलत लगता है हमें। तो मालिक साहब आप इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं वो बताओ। गहरी बात है रात के 12 बजे के बाद की। तो ये लग जाती है। और यहाँ पे देखो आप रेडो, क्या घड़ियाँ होती हैं इनकी, स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, और इनकी जितनी भी वॉच होती है ना उनमें डायमंड होता है। मुझे लग रहा है अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मैं प्राइस दिखा सकता हूँ, अब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ दिखाऊँ ना दिखाऊँ। तो इस ब्लॉग में मैं दो चीज़ें बताऊँगा आपको, एक वो ब्रांड जो सुपर एक्सपेंसिव है जैसे रेडो हो गया, रोलेक्स हो गया, ज़ारा हो गया, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, तो यहाँ से शॉपिंग
मतलब कर सकते हैं, बट हाँ कभी कभी कर सकते हैं, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास। बट हाँ जो लोग पैसा है वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास में सबसे बढ़िया जो यहाँ पे है वो है लाइफस्टाइल। वो देखो उधर आपको लाइफस्टाइल दिखेगा, तो लाइफस्टाइल से कर सकते हैं आप। उसके बाद होम सेंटर करके है, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। रिलायंस के, रिलायंस डिजिटल है, वहाँ से भी आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं बजट में। एलांटे के अंदर तो एलांटे में ऐसा नहीं है, सब कुछ महंगा है, बहुत सारी चीज़ें बजट में हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं। तो जितना जिसके पास पैसा तो उतनी बड़ी शॉपिंग। गाइस अभी हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर में, और ये आपने थीम देखी ही जो हमको नीचे से, आप लोगों को नीचे से मैं दिखा रहा था। और ये बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं देखो प्रॉपर्टी वालों के, वो सामने रहा पीटर इंग्लैंड, बहुत पसंदीदा ब्रांड में से एक है मेरा, बाटा, जो कभी मैंने लिया नहीं। मैंने लिया, और मैंने, आपने लिया बाटा का? हाँ, इन्होंने चप्पलें ली हैं जो अभी तक नहीं टूटी हैं, टूटी तक नहीं वो। और ये सामने बीइंग ह्यूमन, और इसके साथ में है वुडलैंड, उधर है मैक्स करके, और ये मैं फेवरेट तो नहीं बोलूँगा बट हाँ काफ़ी मन करता है कभी इनके कपड़े पहनने का, पर होते बड़े अजीब व गरीब हैं वो है सारा। और ये दोनों क्या मस्तियां कर रहे हैं इधर? एक्चुअली हम बात कर रहे थे बर्थडे वाड़े की, तो वो कह रहे हैं कि हाँ इनके बर्थडे ट्रीट के चक्कर में ना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, लास्ट में अमन फंस गया है, तो आज मुझे लग रहा है या तो विकास फंसने वाला है या मैडम। इनका नंबर लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ऊपर, बट सडनली मैंने कैंसिल कर दिया और इनको चैलेंज करा जल्दी पहुँचो नीचे, और ये दोनों बेचारे रिवर्स में आ रहे हैं। विकास फंस गया है, विकास फंस गया, अब आ नहीं पा रहा है। आ गया क्या आवाज। और एलांटे में बच्चों के लिए देखो शिकोस का अच्छा ब्रांड है, जहाँ पे आपको बच्चों के हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, और उनके एक्सेसरीज भी, स्ट्रॉलर भी, सब कुछ। और बैक साइड में सुपर 99 है, ये देखो, जिसमें बोलते हैं कि 99 रुपीज़ की चीज़ें हैं, बट ऐसा है नहीं, अंदर बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं। और वो है लेंस कार्ट, देखो लेंस कार्ट एलांटे के अंदर भी। चश्मे एलांटे में, सॉरी लेंस कार्ट में। अभी अभी तो हम दिखाने आए हैं, शॉपिंग करने नहीं आए ना, कुछ अच्छा लगेगा तो फिर तो ले ही लेंगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे एक एक्साइटेड चीज़ मिली है जो मैंने तो ट्राई नहीं करी है, मैडम ने भी नहीं करी है, और वो देखो मिकी माउस के जैसे थीम बनाई है। और अमन बोल रहा है कि मैंने इसमें बहुत बार ट्राई करा, चार बार राउंड लिया था एक बारी में, एक बारी में चार बार ऊपर वाले फ्लोर से नीचे के लिए। यस यस। और अब क्या ये बंद कर दिया है? यस ये बंद कर दिया है। आप भी गए विकास जी इसमें? आप नहीं गए इसमें? और गाइस पढ़ने वालों के लिए ना यहाँ पे बहुत अच्छी बुक शॉप है, ये सेकंड फ्लोर पे है, और इसमें से काफ़ी बुक्स शायद मेरे पास होंगी। कौन से वाली यहाँ से ढूंढ सकते हैं आप? कौन सी? हाँ ये देखो ये मेरे पास है, ये जो और ये भी मेरे पास है, बहुत फेमस बुक है ये। हाँ ये मैंने पढ़ भी ली है, पॉडकास्ट भी आया इसका, बट और देखते हैं और कौन सी है हमारे पास। इसमें से काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे लगी। और इधर हैमले के शोरूम में देखो चाचा जी बैठे हैं हमारे स्वागत के लिए, मेरे ख्याल ये चाचा जी हैं या बच्चे हैं, बट सारा ना वुडन का है, क्या बढ़िया है। और यहाँ पे आप टॉयज देख सकते हैं बच्चों के लिए एक से बढ़ के, और बच्चे कर रहे हैं मस्तियाँ। और इधर भी देखो हर कोने में आपको बच्चे बच्चे देखेंगे चारों साइड। और ये है वो दुनिया ना जो हमने ट्रैवल करनी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जितना इस ग्रुप के अंदर है ना, लाइफ एंड होने से पहले ये ट्रैवल करनी है, तो लेट्स सी कितना ट्रैवल कर पाते हैं। हाय है ना, वो कुछ रील की तैयारी कर रही थी, बट उसकी था पे सही गैस और एक बुरी नहीं स्क्रिप्ट नहीं बन रही है, एक बुरी ऐसा नहीं है। अभी हम थोड़ी देर बाद खाते नहीं, ये बना के रहे हैं, देख रहे हैं अभी डिस्कशन चली है स्क्रिप्ट की, और बहुत गहरी डिस्कशन चली है। और यहाँ हैमले के बाहर एक गेम है जिसमें टैडी जैसे करेंगे वैसे बंदे को करना पड़ता है, और उसी हिसाब से ना पॉइंट्स मिलते जाते हैं और स्कोर बनता जाता है। ये देखो अभी इनका स्कोर चल रहा है 5, और काफ़ी ये देखो ये बॉक्स निकल गया, फाड़ो फाड़ो, वो फाड़ दिया, वेरी गुड। एक और आ गया साइड से निकल गया, एक और बुक्स आ गई फोड़ो। और अब आ गए हैं मैडम, ये तो कौवा मार रहे हैं जैसे
फोड़ो 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 जीरो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये है उसका सर चकरा रहा है जल्दी करो आप में एक्साइटमेंट ही नहीं लग रही है क्या चक्कर हो गया करो जल्दी मारो देखो ऐसे नहीं लग रहा है कोई गूंगा आदमी कुछ कर रहा है करो 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 वेरी गुड खुश हो गया ओहो डांस देखो डांस देखो डांस देखो आप भी डांस करो ना इसके जैसा ये देखो ओहो थ्री आउट ऑफ थ्री फोर ओ माय गॉड क्लैपिंग 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 एक और वेरी गुड ओहो ये हाई स्कोर को बीट कर सकते हैं जो कि अभी चला है 11 और है 601 आ गई दिल्ली शिमला ट्रेन भी वो देखो मैडम मक्खियां मार रहे हैं और पीछे चल रही है ट्रेन तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मोस्ट एक्साइटेड फ्लोर पे इसको मैं क्यों बोलता हूं एक्साइटेड फ्लोर खाने की चीजें यहां मिलेंगी पीने की चीजें यहां मिलेंगी और नाचने की चीजें यहीं पे मिलेंगी जैसे पिरामिड में आप देखेंगे बार क्लब फोन डिस्क सब आपको यहाँ पे मिलेगा डब्ल्यू स्टेट आपके बैक साइड में है इसका दूसरे वाला का वो सामने है और गेम प्लेस मैंने भी देखा आपने भी देखा है मैं जब जिसके साथ आई थी ना तो हमने भी यहाँ जरूर फोटो लिया किसके साथ मेरे साथ ही आए होंगे हाँ ठीक है नहीं भाभी जी के साथ भी आई थी अच्छा और यहाँ से देखो आप व्यू कितनी ऊपर आ गए हम ये है आपका ग्राउंड फिर फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड मैंने अभी ना दोबारा फोटो ले ली सारे ले रहे थे तो मैं के पीछे रहो और जो आप बोल रहे हैं ना जिस दिन आप भाभी के साथ आए थे तो उस दिन हम यहाँ पे बैठे थे डिनर करने स्वागत में बहुत टेस्टी था खाना इनका और प्रेजेंटेशन एक नंबर छतरियाँ याद है वो छतरियाँ बन के आई थी तो आप लोगों को जो हमने सबसे पहले व्यू दिखाया था वो यहाँ से दिखाया था देखो ये है टॉप फ्लोर से व्यू एलांटे मॉल के आउटर साइड का और यहाँ से हम लोग आए थे और उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप की वजह से थोड़ा सा जो चेकिंग वाला पोर्शन था वो हमने स्किप कर दिया था और यहाँ पे लोग देखो लंच का भी एंजॉय कर रहे हैं सिंधी स्वीट के अंदर और हमारे जो मित्रगण हैं वो अभी गायब हो चुके हैं वाह अच्छा ये एयर प्योरीफायर है ये डाइसन का है अरे यार बीट द पोल्यूशन विद द डाइसन एयर प्योरीफायर क्योंकि भैया भीड़ इतनी है तो जरूरत पड़ेगी इसकी भीड़ और पोल्यूशन तो अभी तक हमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो गए घूमते हुए और खर्चा कितना है 60 रुपए और 60 रुपए किस चीज के पानी की बोतल का और कुछ नहीं खाना मैंने भाई मैंने पानी पीना बस और कुछ नहीं तो आप खुद देख लो एलांटे मॉल कोई भी महंगा नहीं है बस अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा ना तो खर्चा आप ज्यादा कर लेते हैं तो आप लोग आओ पूरा दिन स्पेंड करो पानी वानी की बोतल लो खाना खा के आओ घर जाके खाना खाओ और पूरा दिन 60 से 100 रुपए में 10-15 रुपए की कैंडीज भी ले सकते थे हमारे तो यहाँ पे देखो सुपर डोनट्स की शॉप है और ये डोनट्स कम से कम होंगे 200-250-300 रुपए के तो ये सारा ना फूड कोर्ट है बेसिकली यहाँ देखो आगे तो मेन फूड कोर्ट है जिसमें छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स की चेन है और ये बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं KFC हो गया पिज़्ज़ा हट हो गया बर्गर किंग हो गया तो सुपर डोनट भी उनमें से एक है तो ऑब्वियसली ये तो 60 रुपए में सर्वाइव नहीं हो सकते अमन भाई हमारे वैसे इतनी छोटी मोटी जगह आते नहीं है आज इनका स्पेशल थैंक्स मैं भी चीज बताना चाहूंगा मैं लास्ट टाइम KFC आया था तो मुझे स्मेल आई थी ना खाने में बाहर क्या था यार तो ये है अब जितना आपने खर्चना है खर्चते जाओ शॉपिंग पे खाने पे पीने पे या बैठने पे फाइनली हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कुछ खाने का फूड कोर्ट से और इन दोनों भुखड़ को लग गई भूख जो बैठे हैं मुंह लटका के इनकी एनर्जी डाउन हो गई है और मैडम की और मेरी एनर्जी अभी फुल है क्योंकि हम खा के आए और ये लोग आए भूखे तो अभी चलो कोल्ड ड्रिंक तो हम सभी ले रहे हैं और अभी जो हमने ऑर्डर करा है वो करा है मिस्टर बेज से जो कि यहाँ पे है देखो मिस्टर बेज आगे चावला भी है डोसा भी है रोल एक्सप्रेस भी है लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ मैंने थाली ट्राई की थी अच्छी थी अच्छा तो हमने भी वही थाली ट्राई करी है तो 2 थाली ऑर्डर करी है इन लोगों के लिए जिसका रेट बना है 546 इंक्लूडिंग GST
पर 60 रुपीज़ का दिया है ये कोक, जो कि बाहर मिलता है कितने का, 45 40 हाँ 40 नहीं 30 हाँ 30-40 रुपीज़ का। तो आप देख लो 200% इंक्रीज़ है प्राइस में। चाय तो बताओ तो कितने की पड़ी, और चाय है कितने की, 75 रुपीज़ की एक चाय। तो मैडम ने मन ही बदल दिया, बोलते चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, और एक कोल्ड ड्रिंक में सॉरी एक चाय में सारी कोल्ड ड्रिंक आ गई। यही तो केस करने वाले थे मुकेश भाई की, अरे ऐसे कैसे नहीं 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 केस क्यों करना, बेचारे कमाने के लिए। दोस्तों फाइनली अटैक हो गया खाने पे, और विकास साहब तो डट गए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, और मैडम जी ने ऑर्डर करे बोलो, इनकी तो एनर्जी डाउन है, इनकी आवाज़ कैमरे तक नहीं पहुंच पा रही है और ना मेरे तक पहुंच पा रही है। चाय नहीं मिली ना इनको, और भाना इन्होंने क्या लगाया है, मुझे चाय नहीं मिल रही है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। और फाइनली मैडम जी के छोले भटूरे आ गए हैं, जिसको देख के इनके मुंह में आ जाता है पानी। बहुत बड़े हैं यार, बड़े हाँ सच में, साइज देखो, ये तो पूरे इंडिया से भी बड़ा लग रहा है, बहुत ही बड़ा। अकेले नहीं खाऊंगी। इसमें क्या क्या है, चने वाइट चने, अचार है, प्याज है, और रायता। तो करो अटैक अब फटाफट, फिर बताओ इसका टेस्ट। छोले भटूरे मेरे फेवरेट है, हर जगह इनको चाय और छोले भटूरे मिल जाए ना तो ये सारी चीजें भूल जाए। कैसा है टेस्ट, बहुत अच्छा। ये बन गए छोटे बच्चे, देखना छोटे बच्चों की तरह। चल कुछ नहीं रहा है इनसे, फोटो खींचो, फोटो चल रहा है, चल रहा है, फोटो खींचो। मैं तो बोल रहा हूं कहां चल रहा है, चलाओ मारो गोली मारो। ये तो हम लोग आ गए हैं गेम खेल के, झूठ वाली पैसों की अचीवमेंट है, पैसों तो किसी ने खर्च कर नहीं, मैं दिख नहीं रहा तो। और सबसे ज्यादा गेम खेले ये, और ये बोल रहा है कुछ, क्या बोल रहा है, मैं दिख नहीं रहा तो मैं दिख नहीं रहा। सो दोस्तों फाइनली अंदर से घूम फिर के आ गए हैं, और ये है सबसे खूबसूरत जगह इलांटे मॉल की, और बैक साइड, और यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। शाम का टाइम है, मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा है, बच्चे अपनी गेमिंग कर रहे हैं, हाँ, और वहाँ पे है बच्चों की ट्रेन, और यहाँ पे लगा है देखो किंग्स 11 पंजाब का बहुत बड़ा पोस्टर, और ये देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट आई लव चंडीगढ़। दोस्तों शाम ढल गई है, मौसम चारों साइड देखो कितना खूबसूरत है, और नज़ारा लाइटिंग के साथ, और हमारे साथी सारे के सारे बैठ गए हैं, पर हमारी एनर्जी अभी भी ऊपर के ऊपर पहुंची हुई है। मेरी टीम कोई सेम नहीं, तू तो बैठा हुआ है नीचे, तो आई थिंक थक गए हम लोग भी, और आप लोग भी शायद एलांटे मॉल देख के थक गए, और हमारी मस्तियाँ देख के थक गए। तो आप लोग अगर आते हैं एलांटे मॉल तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एलांटे मॉल के बारे में, कि आप ना प्लीज़, मैं खासकर लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ, हील पहन के इलांटे मॉल ना आए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, पछता रही हूँ कि मैंने हील क्यों पहनी है। और आप पहले तो अपने कॉल को भी घर से बना के लेके आए 2 रुपए वाली, और दूसरा अपने घर से लंच लेके आए। और आप मेरे को तो मज़ा आया, बस मेरे को घूमने का था, एक साल से ऊपर हो गया था तो मुझे मज़ा आया। हाँ तो मोटा मोटा ये है कि कुछ और बताना चाहते हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया है। तो सबको मज़ा आया, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बस दिक्कत क्या है, एक तो यहाँ पे पार्किंग की मेजर प्रॉब्लम है, बट हमें तो वो भी मिल गई थी, वीकेंड पे मेजरली वो प्रॉब्लम होती है, और दूसरा जो अगर आप पूरा मॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं ना तो आपको रेस्ट रूम नहीं मिलेगा, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ कि हील पहन के ना आए कहीं रेस्ट रूम, तो इसलिए। बाकी चलो प्राइस तो हर चीज़ है पॉकेट के हिसाब से होती है, जिसकी पॉकेट अलग, जिसकी अर्निंग लाखों में है उसे कॉफ़ी का फ़र्क नहीं है, और जिसकी हज़ारों में ऑब्वियसली उसके लिए दिक्कत है, तो वो तो अपने हिसाब से नेगोशिएट कर लेना। तो अब हम एंड करते हैं ब्लॉग को यहीं, आई थिंक है ना, अभी बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, बाय बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।